दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स की जो सबसे तेज गति है वो प्रकाश की गति है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रकाश की गति को निकालना वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। प्रकाश की गति को निकालने का प्रयास तो बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया जिनमें वो असमर्थ रहे, लेकिन उनमें जो सबसे सफल प्रयास था वो ओले रोमर नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा था। ओले रोमर ने यह एब्जॉर्ब किया कि जुपिटर का मून आयो जुपिटर को कभी फास्ट ऑर्बिट करता है तो कभी स्लो ऑर्बिट करता है, लेकिन उनकी गहरी अध्ययन के बाद उन्हें पता चला कि जुपिटर जब पृथ्वी से दूर होता है तब इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है और इसलिए वो हमें स्लो ऑर्बिट करता दिखाई देता है, और आयो जब जुपिटर से नजदीक होता है तब आयो हमें फास्ट ऑर्बिट करता दिखाई देता है। फिर उन्होंने जुपिटर से पृथ्वी की दूर और नजदीक की दूरी को निकाला और उनके बीच के समय अंतराल से प्रकाश की गति को मापा, जिसका वैल्यू उन्होंने 210,000 दिया। हाँ मुझे पता है कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बस एक शुरुआत था। इसके बाद बढ़ते समय के साथ साथ नए उपकरणों की खोज हुई और उपग्रहों की बेहतर गति मालूम होने से इसकी गति में सुधार होती गई और आज हमारे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू 299,792 मीटर पर सेकंड है, जिसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए 3:10^8 मीटर पर सेकंड भी अज्यूम करते हैं।